खार्किव में रहती थी, जो रशिया बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर दूर है। तो खार्किव से मतलब 24 को जो फर्स्ट मिसाइल गिरी, उसके बाद हम मतलब 5 बजे उसी की आवाज़ से उठे। फिर उसके बाद हमें कहा गया कि वहाँ से खाना पीने का सामान स्टॉक कर लो। तो हम जैसे ही गए वहाँ, मार्केट में बहुत भीड़ थी। फिर उसके बाद हमने वहाँ खाने पीने का लिया, फिर वहाँ पानी मशीन से भरते हैं, तो पानी भी कहीं नहीं था। मुश्किल से 5-6 लीटर पानी मिला। तो 24 तारीख से 1 तारीख तक वही चला, वो भी ख़त्म ही हो गया था। खाने पीने को भी कम था हमारे पास, और स्टूडेंट ज़्यादा थे, खाने पीने को कम था। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम निकलते हैं। तो हर आधे एक घंटे में मिसाइल गिरती थी वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ से हम जब निकले तो हमें कहा गया था कि फ्लैग लेकर निकलने के लिए। तो हर एक स्टूडेंट के पास फ्लैग था, हमारे फ़ोन में भी फ्लैग था, हमारे फ़ोन में भी लिखा था यूक्रेनियन और इंग्लिश में कि आई एम इंडियन। फिर उसके बाद वहाँ से फिर हम निकले फ्लैग लेके। 10 किलोमीटर हॉस्टल से स्टेशन का रास्ता था, 10 किलोमीटर जो वॉक करके गए और सामान लेके खाने पीने का और डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट। फिर रास्ते में और कुछ स्टूडेंट के पास पासपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि वो टेम्प्रेरी वीज़ा बनने के लिए गया था। बॉर्डर पे इंडियन एम्बेसी के लोगों ने रिसीव किया। फिर वहाँ से हम स्टेशन गए। स्टेशन पे जाते टाइम रास्ते में 3-4 मिसाइल गिरी। 3-4 जब मिसाइल गिरी तो लास्ट वाली मिसाइल में तो ऐसा हो गया कि नहीं जा पाऊँगी अब मैं। फिर उसके बाद वहाँ से हम किसी भी तरह स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन में हमें नहीं चढ़ने मिला, इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहे थे। फिर हम ट्रेन में भी चढ़े, एकदम लड़के चढ़े। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट ने $100-200 भी पे किया चढ़ने के लिए। फिर वहाँ से 20 घंटे का सफ़र लवीव था। लवीव पहुँचे हम 20 घंटे बाद। लवीव जाने के बाद वहाँ से 3 बॉर्डर, रोमानिया, हंगरी और पोलैंड। तो पोलैंड बॉर्डर पहुँच, वहाँ से सबसे पास पोलैंड बॉर्डर था, तो हम पोलैंड बॉर्डर गए। पोलैंड बॉर्डर बुदुमेरिस बॉर्डर। बहुत खुशी है, जब से वो यूक्रेन में लड़ाई पहली मिसाइल गिरी उस दिन से हम लोग का खाना पीना बंद। अगर मेरी बेटी वहाँ एक एक दिन मौत देख रही थी, तो यहाँ हम एक एक पल मर रहे, क्योंकि हम लोग वहाँ कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ से भगवान और ये जो थे हमारी सरकार, अगर वो ना होती तो हमारी बेटी आज यहाँ नहीं आती। कृतिका सिंह मैम, ये बताइए कि जो इस बार वोट, आज वोटिंग भी है उत्तर प्रदेश की सरकार का, आप लोग खुद समझ जाएंगे कहाँ जाएगा। और हम लोग यही कहना चाहेंगे सरकार से कि मैंने आज तो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है कि बच्चों को फिर यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस पढ़ाई के मामले को बड़ी गंभीरता से लें। फ्लैग लेने के बाद वहाँ पे जो यूक्रेनियंस लोकल है उनने भी हमारे फ्लैग को रास्ते में रोक के सल्यूट किया। एक बार वहाँ पे पुलिस, जो यूक्रेनियन पुलिस थी, उनने रोका, बट फिर हमने फ्लैग दिखाया तो हमें जाने दिया। और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बाकी कंट्री के स्टूडेंट्स भी हमारे देश का फ्लैग लेके यूज़ कर रहे थे।